मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, आज हम लोग शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सर्कल तो तुम लोग जानते ही हो। सर्कल इंग्लिश में सर्कल इसको बोलते हैं और हिंदी में गोला बोलते हैं। अच्छा, गोला का मतलब समझते हो? गोला देखे हो तुम लोग? कुछ ऐसा सामान जैसे साइकिल का, व्हीकल्स का जो होता है, जितना भी वो होता है चक्का, वो जो होता है वो गोलाकार होता है। और तुम्हारी मम्मा जो तुमको रोटी बना के खिलाती है वो भी गोलाकार ही होता है। उसके बाद रुपीज, जिससे तुम लोग कुछ खरीदते हो वो भी गोलाकार ही होता है। तो ऐसे हम सर्कल के बारे में तीन शेप्स पढ़ लिए, एक व्हीकल्स का वो चक्का, उसके बाद रोटी और एक पैसा, ये तीनों गोलाकार होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे ट्रायंगल पे। ट्रायंगल समोसा का आकार ट्रायंगल की तरह होता है, और जिसमें हम लोग कपड़े सुखाते हैं उसको हैंडल को, ये भी होता है ट्रायंगल के आकार का। ठीक है, तो आज अभी हम दो शेप्स पढ़ लिए, एक सर्कल और एक ट्रायंगल। इसके आगे है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तुम लोग के घर का विंडो जो है उसका आकार रेक्टेंगल के साइज का है। और स्लेट, अब तो तुम लोग स्लेट नहीं यूज करते हो, हम लोग पहले स्लेट पे ही लिखते थे, वो स्लेट का शेप्स भी जो था वो भी रेक्टेंगल के साइज का ही होता था। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे स्क्वायर पे। स्क्वायर का ये चारों तरफ का जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, और टेबल जो तुम लोग के घर पे होगा वो स्क्वायर के तरह ही होता है। और एक चेस भी होता है जिसपे तुम्हारे पापा लोग अभी लॉकडाउन के टाइम में खेलते भी